गाइस गुड आफ्टरनून। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका केवाईसी फॉर्म एक नया कैसे भरेंगे। तो मेरे पास ये एक ऑलरेडी मैंने भर रखा है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या एंट्रीज किस तरह भरी जाती हैं। और बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो आप टॉप में देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज होनी है। तो एप्लीकेशन टाइप, अगर नया एप्लीकेशन है तो न्यू पर टिक लगाएंगे, या अगर अपडेट करवा रहे हैं अभी तक आपने अगर नहीं करवाया तो अपडेट में टिक लगाना है। नया फॉर्म अगर आप भरें तो न्यू पर टिक लगा देंगे। उसके बाद केवाईसी नंबर आपको नहीं भरना है, केवाईसी नंबर बैंक आपको देगा। अकाउंट टाइप में नॉर्मल टिक लगा दीजिएगा। अब आता है यहाँ पे फर्स्ट एंड डिटेल नेम, प्रीफिक्स में अपना टाइटल जोड़ दीजिएगा, मास्टर में जो भी हम लगाते हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पर लिखना है। मिडिल नेम अगर वाइफ है तो शादी से पहले जो आपका नाम था वो आपको लिखना है, फर्स्ट नेम मिडिल और लास्ट। फादर का नेम आपको डाल देना है टाइटल के साथ, जो भी लगाते हैं फर्स्ट नेम सेकेंड नेम और लास्ट नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। जेंडर में मेल है तो एम लिखिएगा, फीमेल है तो एफ लिख दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में जो भी है मैरिड है या अनमैरिड उस हिसाब से टिक लगा दीजिएगा। सिटीजनशिप में इन इंडिया में टिक लगा दीजिएगा, इंडिया से रहते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिया के अंदर रहते हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल में टिक लगा दीजिएगा। ऑक्यूपेशन जिस भी दायरे में आप आते हैं आप इसमें टिक लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगानी है अपनी रंगीन, 6 महीने पुरानी। अगर इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर आपने टैक्स दिया तो उस कंट्री का कोड ISO कोड 316 कोड डाल देना है, टिन नंबर डाल देना है और सिटी डाल देना है जिस सिटी में रहें इंडिया के बाहर, और कंट्री कोड डाल देना है ISO कंट्री कोड 3166। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ये सब डॉक्यूमेंट है जो एक्सेप्ट बैंक एक्सेप्ट करते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। तो आप जो भी आपके पास है उसके सामने उसका सीधे नंबर देख सकते हैं। जैसे मैंने पैन कार्ड यू चूज़ किया तो पैन कार्ड के सामने उसको पैन कार्ड का नंबर दे दिया। वोटर आईडी, UID, जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ करना चाहें, जो आप लगाना चाहें आइडेंटिटी के तौर पे, वो आप यहाँ दे सकते हैं उसका डिटेल, उसका नंबर। वेल अगर आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो उनका बकायदा एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ एड्रेस प्रूफ में भी यही करना है, जो जो बैंक एक्सेप्ट करता है वो सब डिटेल दिए। आप किसी एक को भी चूज़ करके टिक लगा सकते हैं, जो भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी फोटो कॉपी। एड्रेस आप घर का डाल दीजिएगा, सिटी में डिस्ट्रिक्ट में सिटी का नाम, पिन कोड डाल दीजिएगा, स्टेट में UT कोड, जैसे उत्तर प्रदेश हर स्टेट का अपना UT कोड होता है तो आप सर्च करके डाल सकते हैं। UP स्टेट का UP कोड है, इंडिया का ISO कोड 316 IN होता है। सिटी में, टाउन विलेज में अपने सिटी का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। पेज 1 भर चुका है, अब हम चलते हैं पेज 2 पे। वेल पेज 2 में टॉप में स्टार्ट में 4.2 में लोकल एड्रेस या करंट एड्रेस मांग रहा है। ये अगर आपका कोई दूसरा लोकल एड्रेस है जहाँ पे हम मौजूद तौर पर रहते हैं तो आप नया एड्रेस डाल सकते हैं, और अगर आपका लोकल एड्रेस वही है जो आपने पिछले पेज में डाला तो सिंपली इसमें टिक लगा देंगे सेम एज करंट परमानेंट एड्रेस, तो ये कॉलम आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। 4.3 में पूछा है कि आपका एड्रेस अगर इंडिया से बाहर रहे टैक्स पर्पस में, तो अगर इंडिया से इंडिया के अंदर है तो कोई ज़रूरत नहीं इस कॉलम को भरने की, आगे कॉलम बढ़ जाते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी आपकी मांग रखी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर और ख़ास तौर में मोबाइल नंबर देना ना भूलिएगा। डिटेल और रिलेटेड पर्सन में अगर आप किसी के साथ जॉइंट खाता खुलवा रहे हैं अकाउंट में, या आपका जॉइंट अकाउंट पर पहले से चल रहा है इस अकाउंट में, तो उस दूसरे इंसान की डिटेल आपको यहाँ भरनी, जैसे उसका नाम हो गया, ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रिलेटेड पर्सन, उस इंसान का KYC नंबर अगर उसको मिला तो ये सब डिटेल आपको भरनी है। आइडेंटिटी प्रूफ में उस इंसान की आइडेंटिटी के प्रूफ में जो भी वो लगाना चाहता है तो उसका डिटेल आपको भरना है, डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, रिमार्क छोड़ देना है। एप्लीकेंट डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर टिक लगाना है, यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस दिन फॉर्म जमा करेंगे, प्लेस पर सिटी का नाम डाल देना है, और यहाँ पर आपको साइन कर देना है, साइन वो करना है जो आपने बैंक में दिया था एट द टाइम अकाउंट ओपनिंग के। और फॉर ऑफिस यूज ओनली अगर नीचे आप देख सकते हैं बाकायदे दिए, तो ये कॉलम आपको भरना नहीं, ये बैंक ऑप्शन भरेंगे आपके डिटेल के बेसिस पे। बस इतना ही है, 2 बनने का फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह KYC फॉर्म भरना है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। पहले अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।